अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह सब खैर आफियत से होंगे। जितने भाई बहन हमारी वीडियो को देखते हैं, अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपकी अल्लाह तमाम हाजतों को पूरा करे और अल्लाह ताला आपके जितने मकासद हैं वो आसान फरमा दे। आज हम आपकी खिदमत में ऐसी ही कुछ दुआ लेकर आए हैं जो दुआ हमें अल्लाह ताला से 5 इनाम दिलवाती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में गुजारिश है कि भाई हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब हम अपना जो है काम शुरू करते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोनों सजदों के दरमियान ये दुआ पढ़ो। यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सजदे फरमाते थे तो उसके दरमियान ये दुआ पढ़ते थे। वो दुआ क्या है? 5 अल्लाह के तरफ से इंसान को मोती मिलते हैं। अल्लाहुम्मा उफिरली वरहमनी वआफिनी वहदिनी वरजुकनी वजबुरनी। ये हदीस के अल्फाज मुख्तलिफ तरह से वारिद हैं। आप इस तरतीब से जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरतीब से भी आप पढ़ सकते हैं और जो लिखा हुआ है ये इस इमेज के ऊपर इसके ज़रिए आप पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ की बरकत से हमें मगफरत भी मिलेगी, अल्लाह की रहमत भी मिलेगी, आफ़ियत भी मिलेगी और जो अल्लाह ताला हमारे नुकसान की तलाफ़ी भी फरमाएंगे और अल्लाह हमें हिदायत भी नसीब फरमाएंगे और अल्लाह हमें रिज़क भी देंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल करने की और आगे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।